बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूँ गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर आलमी बड़ी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो फ्रांस से है। फ्रांस से मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, सलीबी मुल्क है, जहाँ का दहशतगर्द सदर इमानुएल मैक्रोन पिछले 3-4 सालों से मुसलमानों के खिलाफ पाबंदियाँ लगाए हुए हैं। नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। फ्रांस के अंदर बसने वाले 60 लाख मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, फ्रांस के वजीर दाखिला ने ऐलान किए हैं कि फ्रांस के अंदर मुसलमानों की 21 मसाजिद को और इस्लामिक सेंटर्स को, जो एक तरह से मदारिस का रोल प्ले करते थे, उनको फ्रांस के अंदर बंद कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, फ्रांस की हुकूमत ने 21 मसाजिद को और इस्लामिक सेंटर्स को बंद किए हैं और पिछले 1.5-2 सालों के अंदर 150 के लगभग मसाजिद और इस्लामिक सेंटर्स फ्रांस के अंदर बंद हो चुकी हैं, जो सलीबी दहशतगर्दों की, सलीबी इंतहा पसंदों की मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी की वाज़ेह अलामत है। नाज़रीन, फ्रांस के वज़ीर दाखला ने इसकी वजाहत देते हुए कहा है कि दरअसल फ्रांस के अंदर इसलिए ये मस्जिदें बंद की गई हैं क्योंकि यहाँ से इंतहा पसंदी की तबलीग हो रही है और यहाँ से दहशतगर्दी का प्रचार हो रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई मुतनाज़ा इकदामात हों तो फ्रांस सबसे पहले मैदान में होता है। गुस्ताखाना खाके फ्रांस के अंदर शाया होते हैं, मुसलमानों की मुकद्दस शख्सियात की तौहीन फ्रांस के अंदर होती है और सलीबी दुनिया की कमान सबसे ज़्यादा फ्रांस करता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अभी 4-5 दिन पहले बहरीन, जो एक इस्लामी मुल्क है, गल्फ मालिक में से एक बड़ा इंतहाई अहम मुल्क है, वहां पर अरब दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बनाया गया है। ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा अरब दुनिया का चर्च बहरीन, एक इस्लामी मुल्क में खोला गया है। और इसी तरह से मुत्तहिदा इमारात के अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया और यहूदियों के लिए अरब दुनिया का सबसे बड़ा सिनेगॉग बनाया गया और ईसाइयों के लिए चर्च बनाए गए। लेकिन नाज़रीन किराम, फ्रांस के अंदर जो अपने आप को एडवांस मुल्क कहता है और तहजीबों का चैम्पियन कहता है, वहां पर मुसलमानों की 150 मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। और नाज़रीन किराम, 60 लाख मुसलमानों को फ्रांस से बेदखल करने और फ्रांस से उनको निकालने के लिए मुहिम जोरों पर है। इस वक्त फ्रांस के अंदर नए सदर के इंतखाब के लिए कंपेन चल रही है। 2022 में वहां पर इलेक्शन होने हैं और इन इलेक्शन के अंदर नए सदर का इंतखाब होना है। इमानुएल मैक्रोन की पोजीशन काफी कमजोर बताई जा रही है। जो नया सदर मुंतखब होना चाहता है वो इमानुएल मैक्रोन से भी ज्यादा जहरीला है। जमूर, उसका एरिक जमूर उसका नाम है, जो इमानुएल मैक्रोन से भी ज्यादा सख्त नजरियात का हामिल है, जिसने अपने ताजा खिताब के अंदर यह कहा है कि फ्रांस के अंदर 22% नए बच्चों के नाम इस्लामी नाम रखे गए हैं और 1960 के अंदर 1% बच्चों के नाम इस्लामी नाम होते थे, लेकिन अब मुसलमान इस कदर फ्रांस के अंदर बढ़ चुके हैं कि 22% नए बच्चों के नाम इस्लामी नाम रखे जा रहे हैं, अरबी नाम रखे जा रहे हैं, जो एक तरह से लम्हा फिक्रिया है फ्रांस के लिए। यही जो नया सदर मुंतखब होना चाहता है एरिक जमूर, इसने कहा है कि फ्रांस के अंदर अगर उसे सदर बना दिया गया तो मुसलमानों को यहाँ से निकाल देगा, यहाँ से मुहाजरीन का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, नए मुसलमानों को वीजे नहीं दिए जाएंगे, नई मस्जिदें नहीं खोलने दी जाएंगी और पुरानी मस्जिदों को भी बंद किया जाएगा। इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब यह है कि फ्रांस अपनी रिवायात और अपनी आदतों से बाज आने वाला नहीं है। यही वो फ्रांस का सलीबी मुल्क था जिसने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंगें लड़ी और इसी तरह से इसने हस्पानिया के अंदर मुसलमानों की हुकूमत के खिलाफ जंगें लड़ी और साजिशें की और आज भी सलीबी दुनिया की क्यादत यही फ्रांस कर रहा है, यही सलीबी मुल्क कर रहा है। लेकिन यहां पर अरब मुल्कों को, मुसलमानों को कम अज कम यह बात सोचनी चाहिए कि जिन ईसाइयों के लिए, जिन सलीबियों के लिए वो अपने मुल्क के अंदर इबादत खाने उनके बना रहे हैं और अपने दरवाजे उनके लिए खोल रहे हैं, अपने तेल के कुएं और मादनियात उनको दे रहे हैं, वो आखिर उनके इस्लाम के साथ है और उनके हम मजहब मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, इस पर अरब मुल्कों को कम अज कम शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात के हवाले से। आप जानते हैं इसराइल के सहयोनी वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज दौरा किया था मुत्तहिदा अरब इमारात का। नफ्ताली बेनेट इसराइल का वो पहला वजीर आजम था जिसने ऐलानिया मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से उसने मुलाकात की और अरबों डॉलर के नए मुआहदे किए। उसने वापसी पर यह कहा कि उसका दौरा बड़ा शानदार रहा,
वो मुत्तहिदा इमारात के अंदर पुरतपाक इस्तकबाल से और मेहमान नवासी से खुश हैं और तवक्को करते हैं कि जल्द हमारे ताल्लुकात बूस्ट होंगे, ताल्लुकात बढ़ेंगे। अब इतलास सामने आ रही हैं, इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के दौरे यूएई के बाद अब मुत्तहिदा इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान भी इसराइल का विज़िट करने जा रहे हैं और इस दौरे के दौरान मज़ीद अरबों डॉलर के मुआहदे होंगे। नाज़रीन, एक तरफ से फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मस्जिद अक्सा की तौहीन हो रही है और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उनके घर, उनके जायदादें, उनका सब कुछ छीना जा रहा है। और दूसरी तरफ से इसराइल के साथ है मुत्तहिदा इमारात याराने बढ़ा रहा है, ताल्लुकात बढ़ा रहा है, जो एक तरह से फ़लस्तीनी शुहदा के खून का सौदा करने के मुतरादिफ़ है, उनकी कुर्बानियों को मुस्तरद करने के मुतरादिफ़ है। भारत का एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं, ये खबर है ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी चपकलश के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमरीका के दरमियान काफ़ी संगीन इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। अमरीका ईरान के साथ जोहरी डील करना चाहता है, यानी एक ऐसी डील और एक ऐसा मुआहिदा जिसमें ईरान को जोहरी हथियार तैयार करने का मौका मिलेगा और इसी तरह से ईरान अमरीका की बातें मानेगा और अमरीका ईरान पर लगी पाबंदियाँ ख़त्म कर देगा। जोहरी डील के हवाले से इसराइल को काफ़ी एतराज़ात हैं। इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि अमरीका हमें एतमाद में नहीं ले रहा है और ईरान के साथ जोहरी डील करके दरअसल खित्ते के अंदर बदमनी को बढ़ा रहा है। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात संगीन हो चुके हैं और इसराइल ने अमरीका की बात ना मानने का ऐलान किया है कि अगर ईरान के साथ अमरीका ने कोई मुआहिदा किया जो इसराइल के मंजूरी से ना हुआ तो फिर इसराइल ईरान के खिलाफ हमला कर देगा। नाज़रीन, इसी हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका के सलामती के मुशीर को अमरीका ने हंगामी तौर पर इसराइल रवाना किया है ताकि इसराइली हुकाम के साथ बातचीत की जाए। चंद दिन पहले मुसाद के जो चीफ थे वो भी अमरीका गए थे और अमरीका के साथ ईरान के मामलों पर बातचीत हुई थी। नाज़रीन, हम आपको दो दिन पहले बता चुके हैं कि इसराइली वजीर दिफा बेनी गेंट्स ने यह दावा किया है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ प्लान बी के तहत तैयारियां तेज कर दी हैं। दूसरे लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि इसराइल की फौज ईरान पर हमले के लिए तैयारी कर रही है और इसराइली हुकूमत ने इसकी इजाजत दी है। नफ्ताली बेनेट, जो इसराइल के वजीर आजम हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि अगर ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत दी गई तो फिर इसराइल हमला करेगा ईरान पर और ईरान के एटमी तनसीबात को और जौहरी प्लांट्स को तबाह कर देगा और किसी भी तरह से हथियार नहीं बनाने देगा। फारासी काम, एक तरफ से चपकलश जारी है ईरान और इसराइल के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान। दूसरी तरफ से माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि आज तक इसराइल और ईरान के दरमियान जंग नहीं हुई, आज तक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग नहीं हुई और इस वक्त जो चपकलश है ये एक तरह से टोपी ड्रामा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नाज़रीन काम, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, खलीज तआवुन कौंसिल का आज 42वां इजलास हो रहा है सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के अंदर। इतलाआत सामने आ रही हैं कि इस इजलास के अंदर ईरान का जो जौहरी मुआहिदा है अमेरिका के साथ, इस पर बातचीत हो रही है और इसी तरह से इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग है इसके इम्कानात पर भी तबादला ख्याल हो रहा है। खलीज तआवुन कौंसिल के अंदर जो 6 गल्फ मालिक हैं ये भी शामिल हैं और इसके अलावा दीगर अरब ममालिक भी इसके अंदर बतौर मुबसर के शामिल होते हैं। तो आज का इजलास इंतहाई अहम इजलास करार दिया जा रहा है। मिडल ईस्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि खलीजी ममालिक के अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी जो मुआहिदा है इसके ख़िलाफ़ हैं। सऊदी अरब ने और दीगर गल्फ मालिक ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त दी जाएगी तो फिर खलीजी ममालिक भी एटमी हथियार बनाएंगे और इस तरह से खित्ते के अंदर बदअमनी के लिए एक नया मुसाबकत पैदा हो जाएगी, एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी, लिहाजा अमरीका ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त ना दे। भारानाजी काम, अमरीका, यूरोप और दीगर खुफिया ताकतें मिडल ईस्ट के वसाइल को लूटना चाहती हैं, मुसलमानों को यहाँ से कम करना चाहती हैं, मुसलमानों को परेशान करना चाहती हैं, इनके दरमियान फसादात करवाना चाहती हैं। हकीकत यह है कि ना तो अमरीका ईरान पर हमला करेगा, ना ही इसराइल ईरान पर हमला करेगा और ना ही ईरान इसराइल पर और अमरीका पर हमला करेगा, लेकिन इस टोपी ड्रामे के आड़ में किसी न किसी अरब मुल्क को, किसी न किसी मुसलमान मुल्क को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए मुसलमानों को इस हवाले से हसास और बेदार रहना होगा। नाज़रीन, एक और
बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है मुत्तहिद अरब इमारात और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तुर्की के वजीर खारजा तशाउश ओखलो ने दौरा किया है मुत्तहिद अरब इमारात का, और मुत्तहिद अरब इमारात के जो वजीर खारजे हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। इतला सामने आ रही है कि तुर्की के सदर तय्यब अर्दवान जल्द मुत्तहिद अरब इमारात का दौरा करने जा रहे हैं। इसी हवाले से मामलात को देखने के लिए तुर्क वजीर खारजा मुत्तहिद अरब इमारात UAE आए हैं। आप जानते हैं 2017 के बाद से मुत्तहिद अरब इमारात और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। तजारती ताल्लुकात के खात्मे से दोनों मुल्कों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन चंद दिन पहले मुत्तहिद अरब इमारात के वलीअहद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने तुर्की का दौरा किया, तुर्की के सदर तय्यब अर्दवान से मुलाकात की, और तुर्की के सदर ने भी कहा कि हम UAE समेत दीगर तमाम अरब रियासतों से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए अर्दोगान और तुर्की अपनी पॉलिसीज़ को जारी रखना चाहते हैं, डिप्लोमेसी के ज़रिए से डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं और तजारती ताल्लुकात को भी मुस्तहकम करना चाहते हैं। 12 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का मुत्तहिद अरब इमारात ने तुर्की के अंदर करने का वादा भी कर रखा है। इसी सिलसिले में मुत्तहिद अरब इमारात के दौरे पर तुर्क वजीर खारजा आए हैं। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूम मिले, लोगों को हकायक मिले, लोग झूठ से प्रोपेगेंडे से बच सके। अपनी राय कॉमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियो को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।